जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि जो आप किसी भी चाहे SSC GD की, चाहे रेलवे ग्रुप डी की, या RPF SI की, RPF कॉन्स्टेबल की, या CPU SI की, या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, तो उसमें क्या बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हो, किस प्रकार से तैयारी नहीं करते हो जिसकी वजह से रह रहे हो, आपको बता दूँ। इसमें 2-3 कैटेगरियाँ हैं। जैसे एक कुछ ऐसे बंदे होंगे जो हर बार तैयारी करते हैं और कुछ नंबरों से रह जाते हैं हर एक एग्जाम में, उनके साथ ऐसा होता है, ये मेरिट में जाके वो रह जाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बाहर उनको बहुत कुछ आता है, नॉलेज उनका बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके उनका सारा दिमाग खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे नए लड़के आते हैं जो पहली बार तैयारी करते हैं, तो उनको किस प्रकार से तैयारी करनी, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आपको फर्स्ट बार में ही सफलता मिल जाए। दोस्तों गारंटी मेरी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसके बाद में आप तैयारी करना शुरू कीजिए। जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस हिसाब से मैं बताने वाला हूँ, उस हिसाब से आप केवल 10 दिन पढ़ाई करके देख लीजिए। अगर आपकी मेहनत में आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितना अभी पढ़ रहे हो, उतना ही उतना पढ़िए तब पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा तरीका अपना चेंज करिए। जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिए 10 दिन के लिए, अगर फ़र्क नहीं हो तो आप जैसा बोलो मैं करने को तैयार हूँ। दोस्तों 100% आपको 101% आपकी जो पढ़ाई है, तैयारी करने का जो तरीका है, या आपकी याद करने की जो क्षमता अगर नहीं बढ़े तो फिर मेरे को बोलना दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो पहली बार भर्ती देख रहे हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे जो हर बार मेरिट में रह जाते हैं उनकी क्या होता है, और जो एग्ज़ाम हॉल में जिनका टेंशन होता है उनका होता है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, मैं एक साथ ही बता दूं, मैंने SSC GD की वैकेंसी के बारे में पूरा बता रखा है कि उसके तैयारी किस प्रकार से करनी है, आपको फिजिकल कैसे तैयार करना है, और उसकी पूरी डिटेल दे चुका हूं, तो उसको वो वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वो जाके ज़रूर देख लीजिए दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे पहले बात मैं उनको बता दूं। दोस्तों अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको सिलेबस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप जब किसी की भी तैयारी करो, चाहे पुलिस कॉन्स्टेबल है, चाहे SSC GD है, चाहे RPF, चाहे रेलवे ग्रुप डी, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका सिलेबस उठाना है, उसके बाद में उसके ओल्ड पेपर लेने हैं। सबसे पहले उसका ओल्ड पेपर लेना है, ओल्ड पेपर देखना है कि उनका पेपर का जो पैटर्न है वो किस हिसाब से चल रहा है। रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको शायद पता नहीं है, आप क्या करते हो, हर एक डिपार्टमेंट की तैयारी एक जैसी करते हो। रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रेलवे में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मारते हैं, चाहे मैथ के ले लो, चाहे रीजनिंग के ले लो, चाहे GK के ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मारते हैं, इसलिए उसमें तो ओल्ड पेपर आपके पढ़ने बहुत ही ज़रूरी है। ओल्ड पेपर को हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे के कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, उसमें पुराने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ों को आपको पता नहीं होता है, ये सी आप गलतियाँ करते हो, आप ओल्ड पेपर देखते नहीं हो, सीधा मॉडल पेपर ले आते हो और हल करते रहते हो, जबकि क्वेश्चन ओल्ड पेपरों में से कई प्रकार, अगर ओल्ड पेपर में से अगर 10% भी क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके फ्री के नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की तो आपको प्रैक्टिस वैसे भी करनी है, तो क्यों ना ओल्ड पेपरों से की जाए, जो पुराने जितने पेपर उनसे अगर आप तैयारी करते हो तो ये आपको एडिशनल फ्री में मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना, अब सिलेबस देखने के बाद में फिर आपको ओल्ड पेपर देखने, उसके आपको ये देखना है कि इन भाग में से मेरा कौन सा कमज़ोर भाग है, GK मेरी कमज़ोर है, मैथ मेरी कमज़ोर है, या रीजनिंग। होता क्या है कि आप एक दूसरे से बात करते हो, बोलता है यार उसकी तैयारी कर रहा है SSC GD की, मैथ तैयार कर ले, रीजनिंग तैयार कर ले, या मैं भी बोलता हूँ, या क्यों, क्योंकि पता कि 80% लोगों की मैथ कमज़ोर होती है, रीजनिंग कमज़ोर है, लेकिन क्या पता आप 20% में आपकी मैथ ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, आपकी GK बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि इस पेपर में इसका जो लेवल है वो किस हिसाब से है, तो उसका लेवल निकालना है। अब एक चीज़ और देखिए, जब भी GK पढ़ो तो उसके ओल्ड पेपरों में देखना है इसमें GK किस लेवल का रहा, क्या बहुत गहरा डीप GK आ रहा है या ऊपर से GK आ रहा है। अगर आप ज़्यादातर GD कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी होती है उनमें जो GK का जो लेवल होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, कोई सा ऐसा पेपर होता है जिसमें काफ़ी टफ देते हैं, बाकी नॉर्मल ही होता है, तो आपको नॉर्मल GK की ही ज़्यादा ट्राई करनी चाहिए। अब आपको पढ़ाई करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, अब जैसे कि मैंने बता रहा हूँ पहले, सबसे पहले नए वालों को, कि आप अगर बात करें तो आपने जैसे ओल्ड पेपर देख ली, उससे आपको एक नॉलेज आ जाएगा कि इस प्रकार का पेपर था। फिर सिलेबस, अब सिलेबस में आपको ये देखना है कि आपका कौन सा पार्ट सबसे कमज़ोर है, तो कुछ दिन के लिए उसी पार्ट को पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% कि जो पार्ट आपका कमज़ोर है उसको पढ़ने को आपको बिल्कुल दिल नहीं करेगा, अगर आपको नहीं पता तो पता चल जाएगा। आप जैसे 4 सब्जेक्ट है, अगर मान लो मैथ, रीजनिंग, GK, हिंदी या इंग्लिश, तो आप ध्यान रखना कि इनमें से आपको उस पार्ट को पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा जिस जो आपका बहुत कमज़ोर है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट मेरा बहुत कमज़ोर है। अब करना क्या, उसको इंटरेस्टिंग बनाना, किस प्रकार से, आप नोट्स लिख के भी बना सकते हो ताकि याद रहे आपको, या अगर आप GK पढ़ रहे हो तो हमेशा GK को इस प्रकार से पढ़ना है कि जोड़ के देखना है,
जैसे अगर 1960 की कोई घटना आई है तो आपको याद करना 1960 में और कौन सी घटना हुई थी, फिर पन्ने कुछ पलटने हैं, अच्छे से देखना, जोड़ते जोड़ते चलना है, और एक पेन हमेशा हाथ में रखना है। पेन हाथ किस लिए रखना है, पेन को हाथ में, ताकि आपको नींद ना आने दे, और नोटबुक लिखते रहना, कुछ ना कुछ देखना है लिखते रहना है, कुछ ना कुछ देखना है लिखते रहना। इस प्रकार से आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ये गारंटी है मेरी। आपको जो सब्जेक्ट सबसे खराब लगता है, चाहे जीके पढ़ते हैं, सो के कभी नहीं पढ़िए जीके वीके को। अच्छे से पढ़ने का तरीका ये है कि आप इधर देखो ये घटना, इसको लिखिए, इसके साथ में अगर कौन कौन सी घटना हुई आपको अगर कुछ पता है तो उसको ढूंढिए और लिखिए इनको आप। दोस्तों इंटरेस्टिंग आपको बनाना ज़रूरी हो गया सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उसको इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, उस टाइम पर पढ़ना है जिस टाइम पर आपका सबसे ज़्यादा दिल करे पढ़ने का, उस समय उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, सब्जेक्ट धीरे 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 ग्रो करके आपका अच्छा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपकी कमज़ोरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आपको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है, आप देखिए किस प्रकार से आपके सारे सब्जेक्ट दिन ब दिन तैयार होते जाएंगे। एक तैयारी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि मोबाइल वोबाइल पास में ना ही रखें, तो चाहे अगर आप मोबाइल से तैयारी करें उतनी देर रखें, अगर आप खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मोबाइल को दूर रखें, चाहे आधा घंटा पढ़ो, चाहे एक घंटा, चाहे दो घंटा, जितने भी टाइम पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उस समय दिमाग पूरा वहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ और चल रहा है तो उसके बजाय आप पढ़ना छोड़ दो, कहीं खेल कूद के आ जाओ, ताकि आपका एकत्रित होना चाहिए दिमाग जब आप पढ़ रहे हो। इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करते हो, आप 10 दिन इस प्रकार से पढ़ाई कर लीजिए, गारंटी है मेरी आपका, देखना किस प्रकार से कमज़ोर सब्जेक्ट भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब जिनके एग्ज़ाम सेंटर में बत्ती गुल हो जाती है, बाहर बहुत कुछ पता होता है, उनका एग्ज़ाम सेंटर में बत्ती गुल होने का रीज़न क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, होता क्या है कि वो टेंशन ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब हद से ज़्यादा सोचते हैं वो। कैसे कि अब क्या होगा, अब क्वेश्चन पेपर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, इस प्रकार से उनके हाथ भी चलते, ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। अरे आपको पता ही नहीं है ना क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो पहले किस लिए सोच रहे हो ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा? आपका काम था पढ़ना, पढ़ लिया, उसके बाद में बस चिल आउट, ठीक आज पेपर है, अब ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा करूँगा, ये क्वेश्चन आएगा तो वैसा करूँगा, इस प्रकार से कुछ नहीं सोचना, क्योंकि आपको पता नहीं क्वेश्चन कैसा आएगा। पुराने पेपर हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पुराने पेपर में कैसा हुआ, इसलिए जब तक आप रोल नंबर लिखते हो और एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो तो उस समय तक क्या करना, कुछ नहीं सोचना, क्वेश्चन जब सामने आए तभी सोचना है, तो गारंटी है मेरी आपका 100% एक्यूरेट क्वेश्चन निकलेगा। और एक कंप्यूटर पे टाइम कभी नहीं देखना है, टाइम बार बार टाइम कभी नहीं देखना, एक दो बार धीरे धीरे देखना कभी टाइम, उसका भी एक साथ में एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर हल करते समय सबसे पहले वो पार्ट उसका हल करें जो सबसे कम समय में हो सकता है, जैसे जीके सबसे कम समय में हो सकती है तो सबसे पहले जीके करें, फिर उसके बाद में अगर कोई सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश तो उसको करें। होता क्या उससे, जैसे 30 क्वेश्चन आप मैथ के करोगे और 30 क्वेश्चन जीके के करोगे, जीके के 30 क्वेश्चन आप 10 मिनट में कर सकते हो, मैथ के नहीं। तो अगर मान लो आपको पास में 60 मिनट का टाइम दिया जाए, 60 क्वेश्चन दे दिए, 30 जीके के 30 मैथ के, अगर आपने 30 जीके वाले कर लिए 10 मिनट में, अब आपके पास में टाइम कितना बच गया, 50 मिनट, और क्वेश्चन 30। होता क्या, इसे कॉन्फिडेंस आता है अपने आप पेपर सेंटर में, आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा मेरे पास 50 मिनट है तो मैथ का क्वेश्चन इजी। आपको पता है जब आप प्रेशर में रहते हो, दिमाग में प्रेशर रहता है, आपका मैथ का क्वेश्चन इजी से क्वेश्चन भी निकालने में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्यों, क्योंकि दिमाग पे ओवरलोडेड प्रेशर रहता है। तो इसलिए सबसे पहले वो क्वेश्चन करिए जो आप अच्छे से कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर मैथ पहले करोगे, अब मान लीजिए 60 मिनट का टाइम है, 30 क्वेश्चन मैथ के किए, आपके 45 मिनट खत्म हो गए, अब 15 मिनट बचे हैं 30 क्वेश्चन के लिए, जबकि आपको 10 मिनट ही चाहिए, लेकिन आपका सोचोगे अरे बस 15 मिनट बची है, 30 क्वेश्चन है, उसको जीके वाले को फिर जफा जब पढ़ने की कोशिश करोगे, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे और गलत पढ़ोगे, जो चीज़ बोली नहीं गई उस पर टिक मार दोगे, पूछा गया अकबर का जहांगीर का पिता बता दोगे, तो ये इस प्रकार की गलती करते होगे आप। तो इसलिए सबसे पहले वो पार्ट करें जो सबसे ईजी होता है, आप सबसे पहले जिसको कर सकते हैं, यानी जीके और सब्जेक्ट करें, ये तो आप देखना अगले एग्ज़ाम में आपके अच्छे होगी। अब जो लोग मेरिट में रहते थे बार बार, तो उनको मैं बता दूं दोस्तों, आपको वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत ही उमदा लेवल पर, आपकी बस छोटी मोटी गलतियाँ रहती है, तो उन गलतियों को पकड़िए। क्या गलतियाँ रहती है, आप में तैयारी में कोई भी कमी नहीं, ना आपको तैयारी की टिप्स देने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से आप तैयारी करें, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है इसीलिए आप मेरिट तक पहुँचे हो। अब आपको करना क्या कि इस समय से जिस मेरिट में आप रहे हो उस समय से आपको वापस उतनी मेहनत करनी है जितनी उस मेरिट के लिए की हो, तो गारंटी है मेरी अगली बार आप टॉपर रहोगे उसी एग्ज़ाम में, चाहे किसी का एग्ज़ाम दे लो आप टॉपर रहोगे। लेकिन होता क्या कि आप एक बार मेरिट में रहे हो, दिमाग में ये लगा अरे मेरिट में रह गया, डल नो, लेट डाउन नहीं होना है, उसी समय तैयारी करना, उठना वापस फिर से और फिर से तैयारी करना है, गारंटी मेरी टॉपर रहोगे आप। तो बस इस प्रकार से आप तैयारी करिए। जय हिंद।